अभी हाल फिलहाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जजों के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं जो हिंदू धर्म पर, हिंदू परंपराओं पर, उनकी मान्यताओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। और अब समय आ गया है, क्योंकि 377 हो गया और इस टाइप के जो भी अभी निर्णय कुछ आ रहे हैं, ये भारत की परंपराओं को और सनातन धर्म पर जो है एक बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो जज हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर के पाश्चात्य को लेकर के आ रहे हैं और हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए डिसीजंस आ रहे हैं, चाहे वो केरल का केस हो, चाहे वो 377 हो। तो हिंदू न्यायपीठ की ओर से, क्योंकि हिंदू न्यायपीठ का कर्तव्य जो है वो सनातन धर्म को बचाने का भी है, और हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हमारे धर्म पे अगर कोई हस्तक्षेप करेगा या धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम वहाँ पर संज्ञान लेते हुए सावधान करें उन लोगों को कि ऐसा ना करें, क्योंकि हिंदू न्यायपीठ का मुख्य उद्देश्य है धर्मः सत्येन वर्धते। इसीलिए हम उन जजों को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, बड़ी ही सौम्यता के साथ आगाह कर देना चाहते हैं कि आप भले ही जज हैं, भले ही संविधान ने आपको नियुक्त किया है, ऐसे में आपको तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और न्यायपूर्वक निर्णय देने चाहिए, जो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म को आहत ना करें। फिर आपको किसने अधिकार दे दिया हमारी संस्कृति के साथ खेलने का और 377 जैसी धाराओं को लाने का? मैं खुद स्तब्ध हूँ कि इस पर किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। आरएसएस भी चुप थी और उन्होंने स्वागत कर दिया। ये आखिर कहाँ की परंपरा और संस्कृति है? और हिंदुओं की परंपराओं पर ये कुठाराघात क्यों कर रहे हैं आप? जब बकरा ईद पर उनको काटा जाता है, तो उन खून की सफाई के लिए नालियों में हजारों हजारों लीटर पानी बर्बाद किया जाता है, और ऐसा क्यों होता है कि होली पर हिंदुओं को पानी कम करने के लिए या ग्रीन होली खेलने के लिए, ग्रीन पटाखे चलाने के लिए हिंदुओं को विवश किया जा रहा है? ऐसी सुप्रीम कोर्ट के कोई बाध्यकारी नियम एक वर्ग और समुदाय पर कुठाराघात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे जिला प्रशासन भी और प्रदेश सरकार भी ऐसे नियम और कानून बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए, ग्रीन पटाखा चलाया जाए, 8-10 से 12 बजे तक केवल पटाखे चलाए जाएँ, और बाज़ारों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध कर दिया जाए, ज़्यादा शोर वाले पटाखे ना चलाए, इसलिए दिए हैं। धारा 370 का सवाल है, धारा 497 का सवाल है। आइडेंटिटी के विषय पर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों में कटौती के नाम पर महिलाओं के लिए एक नया कानून बनाकर उनके हितों को कुठाराघात किया है। ऐसे ही 377 को उन्होंने वैधानिक मानकर जो है हिंदुओं की परंपराओं पर कुठाराघात किया है। यहाँ तक दीपावली का सवाल है, दीपावली पर पटाखों पर चलाने पर रोक लगाने या 10 से 12 बजे तक केवल चलाने के लिए हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया कि 10 से 12 बजे तक पटाखा चलाएं। आखिर ऐसे नियम और कानून वो अन्य वर्गों के, अन्य समुदायों के लिए क्यों नहीं बनाते हैं?